बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा से हमारे नुमाइंदा आसिम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे बलोचिस्तान स्टूडेंट्स ओलंपिक गेम्स के अहतमाम पर रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। अयूबा स्टेडियम में मुनक़िदा तकरीब में खिलाड़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इवेंट में थ्रोबॉल, टेबल टेनिस, आर्चरी, 100, 200, 400 मीटर रेस, हाई जम्प, फुटसाल, क्रिकेट और जोडो कराटे के मुकाबले हुए। मुकाबलों में क्वेटा के 18 स्कूल्स के 200 बच्चों ने हिस्सा लिया। तालिबात ने गिदरोशिया पॉइंट से बात करते हुए स्पोर्ट्स प्रोग्राम के इनेकाद को सराहते हुए कहा, इस तरीके के गेम्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए और इनको एम्पावर भी करना चाहिए, क्योंकि ये सब वुमेन एम्पावरमेंट में आता है। जैसे कि आजकल हमारा स्टडी प्रेशर बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है और हमारा कोर्स का बर्डन भी बहुत ज़्यादा होता है। इस तरीके के स्पोर्ट्स और इवेंट्स हमें और फ्रेश करते हैं और हमें मोटिवेट करती हैं और हमें शेप करती हैं। फुटबॉल के टीम में हूँ क्योंकि हम लोग फर्स्ट पोजिशन के लिए होना चाहिए, क्योंकि वो अपने एक्टिविटी में हिस्सा लेना चाहती है। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर मिस अख्तर ने तकरीब से खिताब में कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों का मकसद तलबा व तालिबात को सेहतमंदाना सरगर्मियों की तरफ रागिब करना है। तकरीब के अहतमाम पर तलबा व तालिबात में इनामात तकसीम किए गए।